साथियों कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के हमने कानून में क्या किया है हमने कानून में किसानों को आजादी दी है नया विकल्प दिया है अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार यह तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार यह तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो लेकिन पिछले सत्तर साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में भी जाकर के बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है इससे उनकी आमदनी 20 प्रतिशत बढ़ी है एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35 प्रतिशत ज्यादा की गारंटी दी है एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से दोगुनी कीमत मिली आप मुझे बताइए देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं और मैं फिर दोहराता हूं नए कानून के बाद छह महीने हो गए कानून लागू हो गया हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई